बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल 5.8 का आगाज करते हैं। 5.8 में लिखा है कि ये हमारे पास मून है और ये मून अर्थ के राउंड चक्कर लगा रहा है। ये अर्थ है और ये मून। अर्थ और मून के दरमियान डिस्टेंस जो है इसको स्मॉल आर के साथ प्रिंट किया गया है और मून का जो रेडियस है ये कैपिटल आर के साथ प्रिंट किया गया। अब ये मून जो है ये दो तरह की मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक स्पिन मोशन और एक इस ट्रैक के ऊपर, इस ट्रैक पर मूव कर रहा है दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। इस क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि जब मून जो है स्पिन मोशन परफॉर्म करता है या ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करता है तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम है एल एस और एल नॉट, इनके दरमियान जो रेशियो है वो क्या होगा। यहां पर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून आर इज इक्वल टू 3.85 × 10⁸ मीटर। ये अर्थ और मून के दरमियान डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। रेडियस ऑफ मून आर इज इक्वल टू 1.74 × 10⁶ मीटर। ये इस मून का रेडियस आ जाता है। तो ये हमने ड्राइव किया है कि एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये टॉपिक था एंगुलर मोमेंटम, उसमें हमने पढ़ा था। तो फॉर स्पिन मोशन इसी इक्वेशन को हम लोग यू ले सकते हैं, एल एस इज इक्वल टू आई एस ओमेगा। और ये जो आई एस है, ये जो आई है ये इंडिकेट करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मूवमेंट इनर्शिया जो है हमने पढ़ा है वो एम आर स्केयर होता है, लेकिन क्योंकि ये जो मून है ये स्फीयर है, जब ये स्फीयर है तो फिर स्फीयर का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो 2/5 mR² की होता है। और ये आपने कहाँ पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है पेज नंबर 109 में पढ़ा था। उसमें तीन चार धुरी हैं, रॉड है, हुप है, उसके बाद जो है सिलेंडर है और स्फीयर है लास्ट में 109 पे का याद रखना, ठीक है। उसमें ये जो है मूवमेंट इनर्शिया ऑफ मून जब वो स्पिन कर रहे तो यूं 2/5 mR² ओमेगा आ जाएगा। फॉर ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन कौन सी, जब वो इस ट्रैक पर मूव कर रहे, ये इसकी जो पाथ है दिस इज कॉल्ड ये ऑर्बिट का है, तो इसकी मोशन जो होगी वो ऑर्बिटल मोशन करेगी। तो वन बिकम एज एल नॉट इज इक्वल टू ओ मतलब ऑर्बिट, तो ओमेगा आई नॉट ओमेगा आ जाएगा और यहां पर आई नॉट में लिखा एम आर स्क्वायर। अब देखिए कि ये जो उसका ट्रैक है जिसके ऊपर ये मून मूव कर रहा है, ये आपको नजर आ रहा है कि ये जो इसका जो ट्रैक है जो इसकी शेप है वो हुप की तरह है। ये जो शेप आपको नजर आ रही है ये इसकी हुप की तरह शेप नजर आ रही है, रिंग की तरह शेप नजर आ रही है। तो रिंग का मूवमेंट इनर्शिया जो है वही पेज नंबर 109 पर वो लिखा हुआ है एम आर स्क्वायर। तो यहां पर ये एम आर स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, वो दोनों केसेस में चाहे वो स्पिन मोशन हो चाहे वो ऑर्बिटल हो वो सेम रहती है। तो फ्रॉम वन फ्रॉम टू एंड थ्री, इसको मैंने नंबर टू कह दिया, इसको थ्री कह दिया, वी गेट एल एस बाई एल नॉट 2/5 mR² ओमेगा और एम आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा इससे कैंसिल हो रहा है, एम इससे कैंसिल हो रहा है और बाकी हमारे पास ये रहता है। ये कैपिटल आर रेडियस ऑफ मून को इंडिकेट करता है, ये
स्मॉल आर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून को इंडिकेट करते हैं। इनकी वैल्यूज को प्रूव किया जाए तो ये 8.2 × 10⁻⁶ इनके रेशो आ जाती है। नेक्स्ट है 5.9 न्यूमेरिकल में क्या है कि ये अर्थ है, इसने लिखा है कि ये अर्थ है ये वाली, और इस अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर। अर्थ का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। उस यहां पर ये कहा है कि अगर किसी तरीके से अर्थ कंटैक्ट हो जाए, अर्थ कंटैक्ट होकर इसका जो रेडियस है वो आर बाई टू हो जाए, यानी एक्चुअल रेडियस का हाफ हो जाए, तो अगर अर्थ का टाइम पीरियड 24 आवर है तो अगर अर्थ कंट्रैक्ट होकर हाफ हो जाती है तो फिर जो है उसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब ये आपने पढ़ा है टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन वन साइकिल, एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड लगता है, और अर्थ का टाइम पीरियड जो होता है वो 24 आवर्स है। तो यूं मैस ऑफ अर्थ m1 इज इक्वल टू कैपिटल m, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू r, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ जब वो कंट्रैक्ट हो जाती है, कंट्रैक्ट मतलब के एक्चुअल वो ये थी, एक्चुअल ये थी कंट्रैक्ट होकर ये हो जाती है, इसका रेडियस हाफ हो जाता है, तो फिर इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसको t2 के साथ प्रिंट कर दिया। मैस ऑफ कंट्रैक्ट अर्थ, मैस उसका वही रहेगा जो पहले था, रेडियस ऑफ कंट्रैक्ट अर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका रेडियस जो है एक्चुअल रेडियस से हाफ हो जाता है आर बाय टू। तो बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हमने एक टॉपिक पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या था, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी ऑन द सिस्टम देन टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो रिमेन सेम, यानी l1 = l2। ये जब अर्थ एक्चुअल फॉर्म में थी, ये अर्थ जब कंट्रैक्ट हो गई थी, तो ये क्वेश्चन क्या होगी, i1 ω1 i2 ω2 आ जाए। अब i1 क्या है, 2/5 m1 r1 स्केयर, ये मूवमेंट इनर्शिया है स्फीयर का, और ओमेगा किसके इक्वल होता है 2π/T1, तो ओमेगा 2 यहां पर जो है टी 2π/T2 आ जाता है। अब इसमें 2/5 कैंसिल हो रहा है, ये से कैंसिल हो रहा है, और ये 2π जो है ये 2π से कैंसिल हो रहा है, बाकी हमारे पास रह जाते हैं m1 r1 square t1, m2 r2 square by t2। इसमें डेटा है t1 24 m1 capital m r1 capital r, ये हमने यहां पुट कर दिया। m2 m ही है जैसे पहले था, ये जो है r/2, इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद ये जो m है इससे कैंसिल हो रहा है, ये जो r है इससे कैंसिल हो रहा है, बाकी हमारे पे ये रह गया। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 24 इधर आ जाएगा, 24/4 ये क्या आएगा 6 आवर्स, मतलब कि ये अर्थ 24 आवर में एक चक्कर कंप्लीट करती है। अगर अर्थ कंट्रैक्ट हो जाए और कंट्रैक्ट होकर हाफ हो जाए तो अब उसका टाइम पीरियड जो है वो 6 आवर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर है 5.8 में लिखा है कि ये एक सैटेलाइट है, ये एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के राउंड चक्कर लगा रही है, ये सैटेलाइट यूं अर्थ के राउंड चक्कर लगा रही है, अर्थ यहां पर है, यहां से यहां तक डिस्टेंस स्मॉल आर है, और स्मॉल आर क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, यानी ये सैटेलाइट
इस यहां से यहां तक से लिखा है कि ये 900 किलोमीटर है अर्थ के सरफेस से ऊपर। अब ऑर्बिटल स्पीड वी नॉट मैस ऑफ अर्थ, ये वैसे तो क्वेश्चन में दिया हुआ लेकिन ये बात कल नहीं दिया हुआ। रेडियस ऑफ अर्थ, ये मैस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये आपको जुबानी पता होना चाहिए कि 6 × 10^24 के जी मैस ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। ये दो वैल्यू जो है ये फिक्स है, वैसे अभी क्वेश्चन में दी हुई लेकिन ये बात कल पेपर में नहीं दी होती, ये आपको जुबानी याद होती है। तो हाइट ऑफ सैटेलाइट एट 900 किलोमीटर, तो 9 × 10^ क्योंकि पता है आपको किलो जो होता है वो होता है 10^3, तो ये दो सिफर ऐड करें तो ये 10^5 मीटर ये इसकी हाइट आ जाती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला वी नॉट इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर रूट। जी की वैल्यू 6.67 × 10^-11, मैस ऑफ अर्थ 6 × 10^24, रेडियस ऑफ अर्थ ये हमने 6.4 × 10^6 लिखा है और ये इन सारी वैल्यूज को सॉल्व किया जाए तो 7.4 × 10^3 मीटर पर सेकंड। और इसको आप पता है 10^3 किलो होता है, 7.4 किलोमीटर पर सेकंड ये इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाती है जब वो जमीन की सरफेस से 900 किलोमीटर हाइट पर होगा। ठीक है, 900 किलोमीटर की हाइट पर होगा, उसकी ये स्पीड होगी। और क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड ये जो ट्रैक के ऊपर जो मूव करने वाले जो स्पीड है वो 7.4 किलोमीटर पर सेकंड। तो आपने इन न्यूमेरिकल को नोट कर लेना है और याद रखें जितने इम्पॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल हैं इतने इम्पॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल भी हैं, आपने एग्जाम्पल को भी देख लेना है। अगर मजीद कोई बात रह जाती है आप उससे रब्ता रखें, इंशाल्लाह मजीद आपको मैं गाइड कर सकूँगा। लेकिन आपने जब कॉलेज आना है तो ये न्यूमेरिकल आपकी नोटबुक पर लिखे होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।